तो आज सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो सेटिंग आज मैं आपको बताऊंगा वो सेटिंग आपको बाय डिफॉल्ट सभी फोन के अंदर नहीं मिलती, और उसको कैसे ऐड करना है। आपके पास कोई भी फोन है, आप उस फोन के अंदर जो सेटिंग आज मैं आपको बताऊंगा उस सेटिंग को काफी आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको वो सेटिंग दिखा दूं। अब यहां पर आप मेरी डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि ऊपर आपको इंटरनेट यहां पर कुछ MB मिलेंगी और वाईफाई की भी कुछ MB आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो ये दोनों क्या है, तो पहले आप समझ लीजिए कि ये दोनों क्या है। देखिए, अगर आपके पास जियो का इंटरनेट है, एयरटेल का, आईडिया, किसी भी कंपनी का आपके पास इंटरनेट है और वहां पर आपको 1 GB, 1.5 GB, 2 GB मिलती है, तो क्या होता है, आप इंटरनेट यूज करते हैं बट आपको अचानक से मैसेज आता है कि आपका इंटरनेट डेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता, बट इस सेटिंग से आप ये जान सकते हैं कि आज आपने कितना डेटा यूज़ किया। अगर आपने 10 मिनट भी इंटरनेट का यूज़ किया तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने अब तक इतना इंटरनेट अपना यूज़ किया। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी तक अपना इंटरनेट 29 MB यूज़ किया है और वाईफाई का मैंने अपना इंटरनेट 981 MB यूज़ किया है। यहीं पर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ही ये सब कुछ दिखता रहेगा। तो काफ़ी आसान ट्रिक है, इस ट्रिक को भी आप अपने फ़ोन पर काफ़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट सभी फ़ोन के अंदर आपको ये सेटिंग नहीं मिलेगी, आपको ये सेटिंग अपने फ़ोन के अंदर ऐड करने की। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, प्ले स्टोर अपन ओपन कीजिए और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा डाटा काउंटर देख विजिट। देखिए, आप इस ऐप का आइकन भी देख रहे हैं, नहीं तो मैं इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या करना है, सिंपली इसको ओपन कर देना है। अब यहाँ आपका काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब चलिए यहाँ से मैं इसको एक बार आपको रिमूव करके दिखा दूँ कि आपको यहाँ पर ये विजिट कैसे ऐड करना होगा। तो आप अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से दबाइए, ठीक है, फिर उसका देखिए नीचे आपको विजिट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको सबसे नीचे आप जाइए तो यहाँ पर आपको डाटा काउंटर विजिट मिल जाएगा, आप इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको जाना है ऐड विजिट पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, तो ये ऐड विजिट हो चुका है। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर आपको दिखाएगा आपका मंथली, हर महीने का आपको डाटा यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपने इस महीने कितना डाटा यूज़ किया है। बट आपको चेक करना है कि हर रोज़ आप कितना डाटा यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर आपने आज 100 MB यूज़ किया तो 100 MB आपको आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए कि आपने 100 MB डाटा यूज़ कर लिया। तो उसके लिए आप क्या करना है, नीचे जाना आपको मोर पर, ठीक है। अब इसके आप बाद जाना आपको सेटिंग पर। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्फिगर इंडिविजुअल विजिट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको मंथली को यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप इसको डेली का सेलेक्ट कीजिए और ओके बटन आप दबा दीजिए। फिर आप वाईफाई कुछ इस तरह सेलेक्ट कीजिए, बिलिंग साइकिल पर आप क्लिक कीजिए, मंथली को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर भी आप डेली को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन आप दबा दीजिए। अब जैसे आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर आ गए तो यहाँ पर आपको डेली टू डेली रिजल्ट मिलता रहेगा, हैंड टू हैंड अब आपने कितना डेटा अपना यूज़ कर लिया है। तो यहीं पर आपको ये सब कुछ दिख जाएगा, फिर उस हिसाब से आप अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।